यस सर 15 आएगा। 15 इनका दिक्कत है। यहाँ पे तुमको बस यही काम करना है, एक क्वांटिटी को मारना है और दूसरा क्वांटिटी क्या है रुपये। तो तुमको दे रखा है कितना, एक बार बोल रहा है 40 मीटर और दूसरा बार तुमको नहीं पता है। और यहाँ पे रुपीज में बोल रहा है, एक बार लग रहा है 1940 और दूसरा बार तुमको बोल रहा है 7 to 7.5। हम लोग जानते हैं कि ए बाई बी का रेशियो बराबर होता है, इसका मतलब 40/1940 जो होगा वो एक्स बाई 7 to 7.5 के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 7 to 7.5 डिवाइडेड बाय 1940। काटने पे इसका आएगा आंसर 15, जो कि सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, जितने दिक्कत होगा तो कॉपी कर लेना, काट लेना, 40 मीटर आएगा, 15 मीटर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा, इसमें किसी का कोई दिक्कत तो नहीं था ना? नो सर। गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राइवेट टैक्सी। प्राइवेट टैक्सी चार्जेस जर्नी जर्नी 200 किलोमीटर। How much? How much? Good. Wait. Travel. For rupees. 27 क्या है, नहीं दिख रहा क्या सर? रुपीज कितना है लास्ट में? 279.50। हाँ सर 215 किलोमीटर। 215 किलोमीटर। वेरी गुड, राइट आंसर है। बाकी लोग
हो गया, बाकी लोग बताओ जल्दी से, किसी का दिक्कत है? देखो बाबू क्या बोला कि प्राइवेट टैक्सी है, चार्ज करता है फेयर कितना 260 पर जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर। कुछ नहीं सोचना है तुमको, कुछ भी नहीं, बस दो क्वांटिटी देखना है, एक क्वांटिटी को एक्स लेना है, दूसरे क्वांटिटी को वाई लेना है, बस और कुछ तो नहीं। मेरे पास पहला क्वांटिटी है क्या, फेयर है ना, और दूसरा क्वांटिटी है मेरे पास क्या, जर्नी, बस और कुछ तो करना नहीं हमको, है ना? सही बात है। अब देखो यहाँ पे फेयर पहला बार कितना लग रहा है, 260 लग रहा है, इसमें जर्नी कितना हो रहा है, 200 किलोमीटर हो रहा है। दूसरा बार फेयर कितना लग रहा है, 279.50 लग रहा है, और आपके पास जर्नी कितना हो रहा है तो वो हमको नहीं पता, निकालना है। हम लोग जानते हैं ये कॉन्स्टेंट होता है ना, ये आपके पास A1, ये आपके पास क्या B1, ये आपके पास क्या A2, ये आपके पास क्या B2। हम लोग जानते हैं A1 by, तो क्या जानते हैं A1 by B1 is equal to A2 by B2 होता है। तो that means what? ये आपके पास 260 by 200 is equal to 279.50 by x। अब तुमको x निकालना है तो x cross multiply कर दो, x को इधर भेज दो, x is equal to कितना हो जाएगा, 279.50 into क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 200, और y क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 260। कैलकुलेट करो, आंसर निकालो जल्दी से, आंसर 215 किलोमीटर नहीं आएगा, 215 नहीं आएगा, बिल्कुल सही। चलो अब चलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है बताओ? नो सर। यहाँ तक में किसी को किसी तरीके का दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, हम लोग थोड़ा इनवर्स वेरिएशन में चलते हैं। बता दो अगर किसी को भी यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो और बात करेंगे इस पे, किसी को कोई दिक्कत है? इसमें दिक्कत है कोई? नो सर। ठीक है, रोहित, सार्थक, दिक्कत? नो सर। नो सर। इनवर्स वेरिएशन, देखो इनवर्स वेरिएशन में हम लोग क्या सीखे थे, इनवर्स वेरिएशन में हम लोग क्या सीखे थे बताओ? तो अगर हम लोग इनवर्स वेरिएशन में एक क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, दूसरा क्वांटिटी घटेगा। वेरी गुड, एक्स अगर घट रहा था तो वाई क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। मतलब क्या एकदम अपोजिट था, एकदम क्या था, उल्टा था। ठीक है, एकदम उल्टा है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें जरा सा बस एक बात तुमको ध्यान में रखने का जरूरत है, वो क्या कि हम लोग क्या देखे थे पहला वाला क्वांटिटी में, याद करना कि अगर तुम्हारे पास कुछ क्वांटिटी दे रखा था, याद करना ध्यान समझना, तो कोई क्या कि अगर तुम्हारे पास क्वांटिटी कुछ दे रखा था इस तरीके का x और y के टर्म्स में, तो x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, इसमें जरा सा बताना क्या हो रहा था डायरेक्ट वेरिएशन के केस में, x1 by y1 बराबर था x2 by y2 बराबर था x3 by y3 के, बोलो हाँ या ना? ये डायरेक्ट, यस सर। और ये सब कांस्टेंट के बराबर था इसमें डायरेक्ट वेरिएशन में, हाँ या ना? यस सर। लेकिन इनवर्स वेरिएशन में क्या होगा, देखो बस एक चेंज आएगा इसमें, x1 by y1 है ना, x2 by y2 और x3 by y3 क्या होगा था कांस्टेंट, यहाँ पे क्या होगा x1 into y1। ठीक है, मतलब क्या कि x1 into y1 is equal to x2 into y2 is equal to x3 into y3 आएगा, और ये सब क्या होगा कांस्टेंट k के बराबर, कांस्टेंट कैसे होगा समझेंगे, नोट करो पहले।
इसको नोट करो, इसका तो जरूरत है नहीं, इसको हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन में देख चुके थे। मतलब इसमें क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कॉन्स्टेंट आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हो गया सर, सबका हो गया नोट? नो सर, नो सर, नो सर। करो करो, यस सर, हो गया। गुड। हाँ, अब देखो इसको थोड़ा सा और क्वेश्चन के रूप में समझते हैं ताकि ज्यादा अच्छा हम लोग को समझ में आए। चलो देखो, जैसे देखो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, तुमको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर इन दोनों को अच्छे से समझ गए ना, तो एग्जाम में तुम्हारा इस चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि देख रहा है ना क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है, तो तुमको एक तरीके से फ्री में नंबर देने वाला चैप्टर है। पहला है 8/32, दूसरा है 16/16, तीसरा है 32/8, और ये आपके पास बताइए इनवर्स वेरिएशन है या नो सर? नहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर। अच्छा, नहीं है कि नहीं है इनवर्स वेरिएशन? नो सर, नहीं, नो सर, नो सर। क्या समझे थे जी, इनवर्स वेरिएशन में क्या करना होता था, इसका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना, इसका मल्टीप्लाई, यस सर। सब अगर बराबर आ जाए तो इनवर्स वेरिएशन है, हां ना? यस सर, इनवर्स वेरिएशन है। इसका मतलब 8 into 32, यस सर, इनवर्स वेरिएशन है सर। एक एक करके बोलो, सब तो भी बार बार बोलते हैं ना, ये सब एक साथ मत बोला करो, नॉइस क्रिएट हो जाता है। सर, इनवर्स वेरिएशन है। हाँ देखिए, 8 into 32 करिएगा तो 256 आता है, इसको भी करिएगा तो 256 आता है, फिर से यहाँ भी 256, यहाँ भी 256। अब बताओ इनवर्स वेरिएशन है या नहीं है? यस सर, यस सर है। तो कैसे बोल रहे थे कि नहीं है जी, कैसे भूल गए? भूल गए क्या? नो सर। हाँ तो भूलना नहीं है, ठीक है, इसको तुमको भूलना yes, नहीं sir. और देंगे तो कितना आसान तरीके से हम लोग सीख गए कि अच्छा मतलब क्या कि डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने से सबका रेशियो बराबर आ रहा है तो वो डायरेक्ट वेरिएशन है, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से बराबर आ रहा है तो इनवर्स वेरिएशन है। सही बात है ना, कितना आसानी से हम लोग सीखे, बस इसी बात को तुमको भी याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। हो गया सर, हो गया सर। ओके, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा है, सबको अच्छे से समझना, ठीक है ना, एकदम इसको गेम की तरह समझो कि हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और तो कुछ करना नहीं इसमें। चलिए तो क्वेश्चन है आपके पास 9/8, उसके बाद आपके पास 18/4, 2/13 और 12/6। बताइए इनवर्स वेरिएशन है या नहीं? नो सर, नो सर, नहीं, नहीं है। नो सर, नहीं है। नो सर, नहीं, नो सर, नो सर। चलिए 9/8 का कितना होता है? 22। So, 72। और 18/4 जा 22। तो आ रहा है ना जी सर? नो सर, नो सर, आगे आएगा सर। 2/50 होता है। आई कितना आ रहा है? 60। तो नहीं आ रहा है ना? नो सर। इसका मतलब क्या सीखे हम लोग कि सारा आना चाहिए, सही बात है ना? काम नहीं चलेगा, सब आना चाहिए, सबका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी बोलेंगे कि इनवर्स वेरिएशन है। चलिए, गुड 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 गुड।
चलो इसको बना लिया, तो एक और क्वेश्चन देते हैं। नोट करो, नोट करते जाना एकदम जल्दी जल्दी से। सर हो गया, हो गया। अच्छा गुड, हम लोग को ज्यादा से ज्यादा चीज सीखना है, आगे देखते। फिर से दे रहे हैं एकदम, तो बॉक्स बनाते जाना है, काम करते जाना है, करना। चलो आगे दे रहे हैं। आपके पास है 8x10 और है 2x dot, उसके बाद है dot by 20 और है 5x dot और तुम्हारे पास है 1x8। एकदम तो बार बार बोलने को ही नहीं सुनता है। हाँ बताइए, अभी पहले कौन बता रहा था? कशिश सर, पहला में 40, पहला में 40 सर। आप दूसरा में फोर कल तीसरा में 16 में कुछ नहीं। चलो चेक करते हैं कि आंसर सही है कि गलत है। हम लोग को क्या करना था, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या 80 करना है, 80 है तो इसका भी मल्टीप्लाई 80 होना चाहिए। दैट मींस 2x = 80 होना चाहिए ही ना। तो आपके पास क्या है, x = 80/2 मतलब कि 40 आना चाहिए, तो 40 इज बिल्कुल वेरी राइट। चलो अब यहाँ पर इसको इसको मल्टीप्लाई करने से 80 आता है, बिल्कुल आता है। इसको इसको 80 आता है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड, सबको आ गया समझ में? कोई है जो नहीं समझ? यस सर, यस सर, समझ में आ गया। देखो जो भी है, किसी को हम बता रहे ऐसे तो सब कोई तुम लोग अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, लेकिन अगर किसी को नहीं समझ में आए ना तो बोला करो, ठीक है? क्योंकि हम लोग सीखने के लिए यहाँ बैठे हैं ना, अब नहीं बोलोगे तो नुकसान तो नुकसान होगा। चलो आगे बढ़ते। हाँ चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए 52 men can do a piece of work in 35 days. How many days is 28 men will do it. तो क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा समझिए जरा सा। हम लोग को फिर से वही काम, बॉक्स बनाना है, बहुत सिंपल है। आपको बॉक्स बनाना है, हर एक क्वेश्चन में तुमको सीधा बॉक्स बना दे। बॉक्स बनाने के बाद क्या लिखना है वो देखो। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मेन है, नंबर ऑफ मेन है, और क्या है, नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज। सर आंसर आएगा 65। हाँ नंबर ऑफ मेन कितना दिया हुआ है 52, और नंबर ऑफ डेज 52 आदमी कितना दिन में 35 डेज में काम करता है। तो अब देखो देखना बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज 28 मेन डेज, बाद में ये 28 तो काम कितना दिन में करेगा, मतलब क्या इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई दोनों बराबर आना चाहिए, मतलब क्या 52 into 35
इंटू एक्स होना चाहिए है ना, तो दैट मीन्स 55 by 28 is equal to x. कितना बार में कट रहा है? 7 के लिए 4 बार में। चलो इसको काटो, तो इसको किससे काटते हैं? 7 को 4 से। क्लियर है? 91 नहीं आएगा, क्लियर है जी? 91 सार्थक, सार्थक आपका समझ में आ गया सार्थक? यस सर। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन। यस सर, इसी तरीके का क्वेश्चन देते हैं ताकि तुम्हारा और क्लियर हो जाए तुम लोग का। एक सिक्स में कर देते हैं, 60 Yes, sir. अच्छा, किसका आंसर है ये? Sir, 60. 50. Sir, 60. Sir, 60. Sir, 60. किसका आंसर? किसका आंसर है? आर्यन. मेरा आंसर. आर्यन. Sir, 60. ठीक है, 60. और किस? और बताओ, और लोगों का आंसर जल्दी जल्दी से. Sir, 60. 60 सर, सबका 60 आ गया ना? यस सर। ठीक है, देखते किसी को तो देख लो, नंबर ऑफ मेन बोला 35, ठीक है, और कितना डेज नहीं कर रहा है? 25 डेज में। फिर बोला नंबर ऑफ मेन 15, तो कितना डेज में करेगा? एक्स डेज में। मतलब क्या, इनको मल्टीप्लाई करना है हमको। 35 36 है वहाँ पे। कहाँ पे? अच्छा 36 है। ओके 36 है, तो 36 इंटू 25 इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स। सर 60। क्या बोल रहा है जी? सर 60। अच्छा, ठीक है, चलो ये एक्स है, 8 तो इसको तो 5 से काटेंगे, 5 3 तो 15, 5 5 तो 25, इसे काटेंगे 3 1 2 3 1 3 2 6 तो 12 5 जा 60, x बराबर 60, ये आ गया 60 डेज। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा बना रहा है जी। एग्जाम में भी एकदम ऐसे ही अच्छा से बनाना, कोई छोड़ मत देना। देखा ना कितना आसान आसान तरीके से हम लोग सीख गए, एग्जाम में एकदम नहीं छोड़ना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, चालू साइकिल्स
15 minutes. What should it? तुम लोग सबका माइक को बंद कर दिया जाएगा अगर आप लोग ऐसे बार बार एक साथ बोलेंगे तो, ठीक है? जिससे पूछेंगे वही आंसर करेगा, ठीक है ना? नहीं पूछेंगे नहीं आंसर करेगा। ऐसे तुम लोग पूरा नॉइस क्रिएट कर देते हो ना। ये वीडियो आपके YouTube पे भी जाता है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो सोचो तो कैसा लगेगा, नॉइज ऐसा लगे रहेगा तो चले आएगा। बताओ सार्थक, बताओ तो जल्दी से। 16 किलोमीटर। रोहित स्मिथ एक एक करके सब बोलना। सर 16 किलोमीटर। के बाद भी अगर किसी का आंसर होगा तो आप आंसर को वहां पे मैसेज में डाल देंगे, ठीक है ना? लेकिन ऐसे हल्ला नहीं करेंगे, मैसेज में आप आंसर डाल दीजिएगा, उनका बन जाएगा सर। हाँ हम लोग तो पता, जैसे क्लैरिटी इनवर्स में फाइंड करना या डायरेक्ट में। पहला दिन पूरा कहानी इसी के ऊपर बताए थे बाबू, कि पहला दिन इसी के ऊपर सारा कहानी बताते, कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट में फाइंड करना है कि इनवर्स में। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा स्पीड है और टाइम है। तो स्पीड और टाइम का रेशियो कैसे होता है? स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, हाँ या ना? यस सर। डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इनवर्स सर। ये भी बताए थे ना कि अगर तुमको काम जल्दी आदमी बढ़ाओगे तो काम करने में समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। कम लगेगा। हाँ तो इसको क्या था, डायरेक्ट था कि इनवर्स? इनवर्स। तो फिर inverse. कैसे पता चलेगा? पहला कहा दिन था, सारा कहानी इसी पे बोले थे ना, तो कहानी याद रखो काम हो जाएगा। चलो यहाँ पे वेरी गुड, तुमने सही जवाब दिया है। देखो इसको कर लेते हम लोग, यहाँ पे ऐसे करके क्या करना है, बॉक्स बनाना है और बॉक्स बनाने के बाद क्या लिखना है, हम लोग दिया है, एक तो दिया है एवरेज, स्पीड दिया है और दूसरा दिया है टाइम, है ना? तो एवरेज स्पीड की जगह पे एवरेज स्पीड बैठा देना है। कितना है? 12 था। टाइम कितना लगा था इसको? 20 मिनट। स्पीड क्या होगा जो टाइम लगेगा? 15। तो इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यही करना था ना? मतलब क्या 12 × 20 = x = 15। तो मतलब 12 × 20 / 15 = x। सर बुक में दिया हुआ है। क्या क्या हुआ है? बुक में आंसर दिया हुआ है। कौन से बुक में? डीएवी का। किसमें? डीएवी। डीएवी तो आपके पास डीएवी का बुक है? यस। तो क्या कितना वहीं से देख के तो नहीं पूछ रहे हो? सर नंबर आ लिए पहले। चलो वेरी गुड, तो ये आपके पास 3 और यहाँ पे कितना 4, तो ये आ गया आंसर 4 × 4 = x। तो ये आपके पास 6। ये क्या था, स्पीड किसमें था? किलोमीटर पर आवर में था ना जी? यस सर। तो ये तुम्हारा हो गया 16 किलोमीटर पर आवर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो सबके पास अलग अलग बुक है लेकिन तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, इसलिए कोई परेशान मत होना कि डीएवी है या एनसीईआरटी, परेशान मत होना, ठीक है ना?
देख लो अभी जैसे ही बताया ना, देखो हम जो क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी आरडी शर्मा से करवा रहे हैं, लेकिन देखो यही क्वेश्चन डीएवी में भी दिया हुआ है, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा, सारा क्वेश्चन एक जैसा ही रहेगा, बुक अलग हो सकता है। चलो अगला क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है 1000 सोल्जर्स, 1000 सोल्जर्स इन अ फोर्ट हैड इनफ फूड, इनफ फूड फॉर 20 days, but some soldiers were transferred to another fort and the food lasted for 25 days. How many soldiers were transferred? बताइए, how many soldiers were transferred? चलिए बताइए जल्दी से। सर 800 आर्यन, वेरी गुड सर, मयंक 800 सर, आर्यन 800 माइनस 800 सर, 800 सर, 800 अच्छा ठीक है, माइनस 800 कौन बोला? सर मयंक, मयंक माइनस 800 कैसे मयंक? नो सर, हम गलती से बोल दिए 800। अच्छा चलो ठीक है, तो बिल्कुल भी इसमें भी वही काम, गुड सब कोई वेरी गुड, मतलब तुम लोग बात को समझ गए हो और काम भी अच्छे से हो रहा है। चलो तो इसमें भी क्या था, तुमको नंबर ऑफ सोल्जर्स लेना है और फूड कितना दिन चलेगा, तो नंबर ऑफ सोल्जर्स और फूड कितना दिन चलेगा, फूड विल लास्ट है ना पर डे, तो पहला कंडीशन में 1000 सोल्जर्स है और ये खाना कितना दिन तक चल रहा है जी, 20 दिन तक, और आपके अगला दिन केस में x सोल्जर्स बचता है और खाना चलता है कितना 25 डेज, करना क्या है बस इसको इससे मल्टीप्लाई इसको है ना, तो मतलब 1000 × 20 = x × 25, मतलब क्या हो जाएगा 1000 × 20 / 25 = x, ठीक है, इसको काट देते हैं, ठीक है ना, तो काट देने से क्या हो जाएगा 25 × 1, इसको मैं ऐसे लिख रहा, देखो काटने का भी तो आसान तरीका है, इसको तुम 100 × 10 लिख सकते हो, हाँ या ना, जो 25 × 1 = 25 × 4, ठीक है, अब देखो 4 × 2 = 8 हो गया और 2 × 2 = 0 लगा दो, देखो मल्टीप्लाई करने का या काटने का भी आसान सा तरीका है। चलिए गुड, अगला बात हाँ बोलो सर, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी सोल्जर्स वेयर ट्रांसफर, यहाँ पे तो आंसर तो बताओ, 800 तो बचा, 800 सोल्जर्स है तो ट्रांसफर कितना का, 200, वेरी गुड, चलिए नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रांसफर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे नंबर ऑफ सोल्जर्स ट्रांसफर्ड, 200, चलिए ये बात बिल्कुल सही बोला, लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, सही सही बताना, अभी तक सही सही बताया हो सबको,
इसको भी एकदम सही बताना। 120 men had food provision. Food provision for 200 days. After 5 days, after 5 days, 30 men died. 30 men died due to an epidemic. Due to an epidemic. How long will the remaining food last? How long will the remaining food last? चलिए बना के बताइए। सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, फिर बना रहे। ठीक है बनाओ। क्या आंसर बोले क्या कोई? आवाज नहीं आ रहा है आपका, जो भी बोल रहा है आवाज नहीं आ रहा। अर्षित, अर्षित आपका आवाज नहीं आया। सर 4,770। 4,717 4,000 दिन तक फूड चलेगा। आना 4,000 दिन सर 800 सर 800 नहीं समझा नहीं तुम लोग सवाल को, फिर से देखो सर, देखो समझना, समझने की कोशिश करना एकदम अच्छे से। बहुत बुरा ना, अब सब कुछ सुनो मेरा बात, फुल पहले सुनो, माइक सब कोई अपना बंद करो, चुपचाप ही सुनते। बोल रहा है कि 120 मेन था, उसके लिए 200 दिन का खाना अवेलेबल था, ठीक है, 120 आदमी का
200 दिन का 200 डेज का खाना अवेलेबल है 5 दिन के बाद, तो 5 दिन के बाद अब बताओ कितना दिन का खाना बचेगा? 195। ठीक है, तो हम लोग 5 दिन के बाद ना 30 आदमी मर चुका है, 5 दिन के बाद 30 आदमी खत्म हो चुका है 5 डेज के बाद। तो इसका मतलब है क्या कि हम लोग के पास अब जो है 100, देखो कब बात किया जा रहा है, 5 डेज के बाद। तो ये आपके पास मेन है और ये आपके पास फूड है, तो 5 डेज के बाद क्या, देखो 120 आदमी के लिए 100 कितना 95 डेज का फूड अवेलेबल है 5 दिन के बाद। लेकिन होता क्या है, इसमें से 30 आदमी मर जाता है तो बचता कितना है 90 आदमी। तो 90 आदमी के लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, तो ये आपको क्या करना है मल्टीप्लाई 260 डेज। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये हो गया 195 = 90 × x, तो क्या हो गया 120 × 195 / 90 = x। कैलकुलेट करना x आएगा 260, बिल्कुल सही बोला 260, ये आंसर आएगा। फोन नोट कर लीजिए जल्दी से। यस सर, कर लिए। चलो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। तो ये हम लोग आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, आप इनवर्स वेरिएशन बनाइएगा और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जो भी तुम्हारा डाउट होगा उस पर बात करेंगे। चलो ठीक है, तब तक के लिए सबको थैंक यू।